स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट करो पे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा रियल स्टेट का चैनल है तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम है नेहा भारद्वाज। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सभी को न्यू लोकेशन न्यू कॉन्सेप्ट पे। आज की जो लोकेशन आने वाली है दोस्तों, वो हमारी काफ़ी प्राइम लोकेशन आ जाती है, 125 सेक्टर मोहाली की आ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जानते होंगे मोहाली के बारे में, काफ़ी डिमांड में चल रहा है। तो इससे ये चीज़ रहती है कि काफ़ी डिमांड के साथ साथ में जो है कनेक्टिविटी बहुत प्राइम है। आपको शिमला जाना हो, हिमाचल जाना हो, तो यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। दिल्ली आ गया आपका, हरियाणा आ गया, और आपको चंडीगढ़ जाना है तो 5 मिनट की ड्राइव पे चंडीगढ़ आ गया आपका। तो नियर बाय आपकी स्कूल यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें आपको नियर बाय इसमें पड़ जाती है। तो काफ़ी अच्छी हमारी ये लोकेशन आ गई आज की। तो मैं आप सभी को लेके आई हूँ 5 BHK के विला की तरफ। तो अब इसके साइज़ की बात करते हैं। साइज़ जो रहेगा दोस्तों वो 200 गज में आ जाता है, और ये जो है हमारी कॉर्नर कोठी रहने वाली है। तो जैसे कि बहुत कम होती है कॉर्नर कोठी मिलना, मुश्किल हो जाती है, तो हम आपके लिए कॉर्नर कोठी लेके हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलिवेशन से। तो ये आ गया दोस्तों बाहर का एलिवेशन, काफ़ी अट्रैक्ट रॉयल एलिवेशन आ गया। इसमें आपको वुडन की फिनिशिंग मिल जाती है, टेक्सचर वर्क देखने को मिल जाता है। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। यह आ गया आपका बर्म एरिया। तो बर्म एरिया में भी जो है आपकी एक गाड़ी इजिली पार्क हो जाएगी। डायमेंशन की बात करें तो 30x60 में हमारा डायमेंशन आ जाता है। आयरन का यहाँ पे आपको गेट मिल जाता है। तो आइए, जैसे ही आ जाते हैं हम गेट से एंटर होके, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा एक गाड़ी का स्पेस। तो एक आपकी बाहर इजिली पार्क हो जाएगी, एक दो, तो दो गाड़ी यहाँ पे आपकी पार्क हो जाएगी। मेरे लेफ्ट साइड में देखिए तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप गार्डनिंग कर सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी कर रखी है, आप गाड़ी भी यहाँ पे एक पार्क कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था एक कॉर्नर कोठी है, तो देखिए यहाँ तक आप पीछे तक फुल गार्डनिंग कर सकते हैं, ताकि आपका घर दूर से अट्रैक्टिव लगे। तो ये था हमारा। तो अब चलते हैं हम घर की मेन एंट्री पे। तो हमारी जो घर की मेन एंट्री रहेगी काफ़ी लग्जूरियस स्पेशियस रहेगी। ये हमारी डाउन सीलिंग आई विद कंसील लाइट के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइल्स का वर्क किया गया है, टेक्सचर वर्क देखने को मिल जाएगा आपको बाहर ही। दो आपके गेट आ जाते हैं इसमें, एक आपका मैश डोर आ गया, एक आपका सेकंड गेट आ गया। डोर की लुक वाव। तो दोस्तों हम चंडीगढ़ में घर ले रहे हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, स्पेशियस हो, इसमें जो भी इंटीरियर का काम किया हो तो काफ़ी बेहतर हो। तो वैसे ही मैं आपको लेके आई हूँ। तो जैसे कि हम आ जाते हैं घर के अंदर, तो आ जाता है हमारा फैमिली लाउंज एरिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम अभी पेंडिंग है तो इग्नोर कीजिए सामान को। तो ये आ गया दोस्तों हमारा फैमिली लाउंज एरिया। तो फैमिली लाउंज एरिया आप देख पा रहे होंगे कि इसमें वुडन का वर्क किया गया है। ये सामने आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो आ गई, डाउन सीलिंग विद कंसील लाइट के साथ आ गई दोस्तों। तो अच्छा आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। तो ये आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे जो है आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग सीट लगा सकते हो। डाउन सीलिंग मिल जाती है आपको वुडन की फिनिशिंग के साथ। मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे ये आ जाता है आपका LED पैनल का स्पेस। LED लगाइए, इसके अलावा भी यहाँ पे आप कुछ भी अचीवमेंट अपनी रख सकते हो। तो अब मैं आपको जिस जगह पे ले जाने वाली हूँ उसको देख के आप बहुत खुश होने वाले हैं, जैसे कि मैं खुद हुई हूँ। तो ये आगे हमारी मॉड्यूलर किचन। पहले इसका बाहर का डिजाइन आ जाता है वुडन की फिनिशिंग के साथ। जैसे ही हम किचन के अंदर आते हैं तो काफी अट्रैक्ट कर रहा है हमारे किचन को। आप देखिए पहले इंटीरियर देखिए कितने अच्छे से इसको बनाया गया है। डाउन सीलिंग देखेंगे हम, इसके कैबिनेट्स देखेंगे तो काफी कमाल की है। ये हमारी पैंट्री आ गई यहाँ पे। कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ये हमारे कबर्ड्स आ गए। सॉफ्ट क्लोजर के साथ हमारे ड्रॉज आ जाते हैं। सबसे पहले आपको कलर कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें कितना प्यारा ब्यूटीफुल है। आप यहाँ पे काम करोगे तो काफी पॉजिटिविटी आ जाती है। दो हमारे सिंक आ गए, वेंटिलेशन के लिए विंडो आ गई। तो ये था हमारा मॉड्यूलर किचन। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे दो बेडरूम आ जाते हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं हम फर्स्ट बेडरूम। तो ये आ गया दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम। हम इसमें आपको क्या क्या चीजें दे रहे हैं जो आप देख रहे हो, सब कुछ आपको ऐसा ही मिलेगा। डाउन सीलिंग आ गई वुडन की फिनिशिंग के साथ। ये हमारे आगे कबर्ड्स, रूफ टॉप तक हमारे कबर्ड्स आ गए, काफी स्पेस मिल जाता है। ड्रेसिंग एरिया आ गया, यहाँ पे सामान रखने के लिए आ गया।
जैसे आपका यहाँ पे बेड लगा है तो उसके साथ ही जो है आपके सामने आ जाता है एलईडी पैनल का स्पेस, यहाँ पे अपनी एलईडी लगाइए। अटैच इसमें आपका वॉशरूम आ जाता है, तो ये आ गया हमारा अटैच वॉशरूम। इसमें भी आपको सारी फिटिंग लगा के दी जाएगी, जैकवार की हमारी फिटिंग रहेगी। ये आ गया आपका वॉशिंग एरिया, बैक साइड में आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा सामान है, इसमें आपको इग्नोर कीजिए। तो अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे जो है मेरे राइट साइड में आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। तो ये आ गया सेकंड बेडरूम, डाउन सीलिंग आ गई हमारी विद कंसील लाइट के साथ। मेरे लेफ्ट साइड में आ गए हमारे कबर्ड्स। यहाँ पे देखिए कबर्ड्स कितने स्पेशियस आपके कबर्ड्स आ गए। इसमें ड्रेसिंग एरिया आ गया अगेन, सामने आ गया एलईडी पैनल का स्पेस। तो ये आ गया एलईडी पैनल का स्पेस, अटैच इसमें वॉशरूम आ गया। वॉशरूम में भी आपको सारी फिटिंग लगा के दी जाएगी, जैकवार की फिटिंग आ गई और साथ में अटैच आपका वॉशिंग एरिया आ गया। तो जैसे कि दोस्तों ये डुप्लेक्स विला है, इसकी एंट्री तो अंदर से रहेगी, तो यहाँ पे रहेगी एंट्री। अभी यहाँ पे ग्लास लगना बाकी है। तो ये है हमारी एंट्री। तो यहाँ एक बार ऊपर को लुक देखिए, कितना अच्छा अट्रैक्ट कर रहा है, काफी पसंद आ रहा है मुझे। तो ये सामने ही आ गया, कुछ डिजाइन देखने को मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे जैसे ही आ जाते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों, तो आ गया हमारा फैमिली लाउंज एरिया अगेन। तो ये आ गया फैमिली लाउंज एरिया, यहाँ पे आप सोफा लगा सकते हो, एलईडी लगा सकते हो। आपके जो है फर्स्ट बेडरूम पे आपके थ्री बेडरूम्स आ जाते हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे हमारे थ्री बेडरूम्स आ जाते हैं। तो देखते हैं हम थर्ड बेडरूम। तो ये आ गया थर्ड बेडरूम, डाउन सीलिंग आ गई कंसील लाइट के साथ। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, एलईडी पैनल का और साथ में कबर्ड्स का, तो काफी अट्रैक्टिव है। जो आपकी देखिए हाइट देखिए इसकी, वाओ, तो काफी अट्रैक्टिव है ये। सामने आगे हमारे ड्रेसिंग एरिया, जो कि पर्सनली लड़कों के लिए जरूरी है। अटैच अगेन हमारा वॉशरूम आ गया, इसमें भी आपको सारी फिटिंग लगा के दी जाएगी। तो ये आ गया हमारा बैक साइड वॉशिंग एरिया। तो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। अब चलते हैं हम फोर्थ बेडरूम की तरफ। तो ये है अगेन जो मैंने आपको चीजें वहां पे दिखाई, वही चीज यहाँ थोड़ा सा डिजाइन का डिफरेंट है। डाउन सीलिंग है हमारी, इसमें वेंटिलेशन के लिए विंडो आ गई। सामने ही हमारे कबर्ड्स आ गए, एलईडी लगा के दी जा रही है। हर रूम में आपको एलईडी मिल जाती है, एलईडी का पैनल मिल जाता है और इसमें एसी की हाथ की फिटिंग आ जाती है। अटैच वॉशरूम आ गया, जैकवार की इसमें फिटिंग आ गई। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, काफी अच्छा है इसका कलर कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं लास्ट बेडरूम की तरफ। आपको मैं किचन दिखाना था, भूल ही गई, उसके लिए सॉरी। तो चलिए पहले किचन देख लेते हैं। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का किचन। तो यहाँ पे जो है दो आपके सिंक आगे, वेंटिलेशन के लिए विंडो, कैबिनेट्स लगा के दिए जा रहे हैं, साइड टैप्स इसमें इंस्टॉल करके दिए जाएंगे आप सभी को। तो चलिए अब लास्ट बेडरूम देख लेते हैं कैसा रहने वाला है हमारा लास्ट बेडरूम। तो ये आ गया जी हमारा लास्ट बेडरूम, डाउन सीलिंग आ गई हमारी, सामने ही आ गए हमारे कबर्ड्स। ये आ गए हमारे कबर्ड्स, अटैच वॉशरूम, एलईडी पैनल का स्पेस आ गया। अटैच वॉशरूम, थोड़ी सी लाइट का इशू है यहाँ पे, तो अटैच वॉशरूम आ गया। इसी रूम के साथ हमारी कनेक्ट है बालकनी। बालकनी दिखाने के लिए मैं काफी खुश रहती हूँ, क्योंकि बालकनी से जो नजारा दिखता है वो तो कमाल का ही होता है। तो ये आ गई हमारी बालकनी, वाओ। यहाँ पे देखिए प्लांट्स लगाए हैं। आप लोग इमेजिन कीजिए, आप बैठे हो यहाँ पे और ऐसी वादियाँ हो तो मजा ही आ जाएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह का हमारा ये व्यू रहेगा बाहर का, फैमिलीज रह रही है यहाँ पे, देख सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा 5 BHK का विला। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगेन मैं कह रही हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्यार देते रहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।